आज पढ़ेंगे हम मैथ्स पे, मेंटल मैथ्स असाइनमेंट शीट 4। तो बी है आपका राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है और जितने इसमें शेडेड पार्ट हैं वो अलग लिखना है और टोटल पार्ट्स अलग लिखने हैं। तो इसका क्या बनता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन पता है आपको, ऊपर क्या होता है डिनोमिनेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर। ये तो शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट कितने यहाँ पर फिगर वन में देखेंगे, 1 2, ये शेडेड पार्ट है आपके। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। तो टोटल पार्ट्स आएंगे नीचे आपके 3 और शेडेड पार्ट्स आएंगे ऊपर 2। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, 2/3। ऐसे आपका सेकंड, तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल पार्ट्स 3 है। तो टोटल पार्ट्स 3 कहाँ पर आएगा आपका, नीचे डिनोमिनेटर में 3, और शेडेड पार्ट क्या है आपका न्यूमरेटर, कहाँ पर आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, 1/3। ऐसे ही इसमें करेंगे आप लोग, इसमें क्या आएगा आपका फ्रैक्शन, टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और यहाँ पर न्यूमरेटर में 3। अब आपको यहाँ पर राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको इसमें फ्रैक्शन दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो इन 3/5, तो 3/5 फ्रैक्शन दिया है आपको, तो इसमें न्यूमरेटर कितना है आपका, तो ऊपर वाला क्या होता है आपका न्यूमरेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5। ठीक है, ऐसे आपका है सेकेंड, 4/13, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा आपका 4 एंड डिनोमिनेटर 13। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।